नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। भिवानी जिला के नजदीकी गांव मानोहेरी में राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय में शरारती तत्वों ने स्कूल के प्रांगण में सूखी घास में आग लगा दी, जिससे लगभग 80 पौधे जल गए। लेकिन गनीमत यह रही कि आग कक्षा के कक्ष तक नहीं पहुंची, जिससे विद्यालय का आवश्यक रिकॉर्ड था। इस बारे में स्कूल प्राचार्य ने साधना परमार ने बताया कि स्कूल के प्रांगण में लगी आग की शिकायत भिवानी सदर थाना में लिखित रूप में दे दी गई है। असामाजिक तत्वों द्वारा विद्यालय प्रांगण में लगाई गई आग से लगभग 80 पौधे जल के चुके हैं और इससे पर्यावरण को काफ़ी नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि कुछ असामाजिक तत्व और शरारती तत्व रात के समय में स्कूल प्रांगण में बेवजह घुस आते हैं। इसको लेकर के वे कई बार ग्राम पंचायत को भी पहले शिकायत दे चुकी है। इसके साथ ही उन्होंने ग्राम पंचायत व पुलिस को दी अपनी शिकायत में एक दरखास्त के रूप में दी थी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि ग्राम पंचायत व मौजूद लोग कुछ पुलिस राइडर की टीम के साथ स्कूल प्रांगण में असामाजिक तत्वों को खदेड़ने के लिए कोई कदम उठाए। पल पल भिवानी से अमन शर्मा की विशेष रिपोर्ट। आज की कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मनेरू में आग लगी थी। कल शाम को चपरासी ने फोन करके बताया कि कुछ असामाजिक तत्वों ने विद्यालय प्रांगण की जो सूखी घास थी उसमें आग लगा दी, तो हमारे करीब करीब सर 60-70 पौधे जो है वो जल गए। और गनीमत रही कि जो विद्यालय के कक्षा कक्ष हैं उन तक आग पहुंच नहीं पाई, नहीं तो उसमें हमारा चूंकि बोर्ड का सेंटर था तो हमने सारे जो बेंच थे वो उन्हीं में इकट्ठे कर रखे थे। अगर कक्षा कक्ष तक आग ये पहुंच जाती तो भारी जो है ना नुकसान हो जाता विद्यालय को। तो किस प्रकार की सूचना पुलिस को दी है, क्या कार्रवाई? प्राचार्य साधना परमार ने जो है ना जी पुलिस को सूचना दे दी है और टेलीफोन के माध्यम से सरपंच से हमने संपर्क किया, उनकी नॉलेज में डाल दिया और गांव के मौजूद व्यक्तियों को बता दिया है कि इस प्रकार विद्यालय में जो है ना कुछ असामाजिक तत्वों ने आग लगा दी है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में इस प्रकार की कोई दोबारा जो है ना घटना ना हो। क्या नाम से रखा? मेरा नाम दयानंद डीपी हूँ।